press the bell icon on the YouTube app and never. कलकत्ता के मेयर जिन्होंने कहा कि हिंदू बदनसीब है और मुसलमान खुश नसीब है, उनकी बड़ी बेटी का भी तलाक हो चुका है। अब उनकी बड़ी बेटी का तलाक जब हुआ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर करके फरहाद हकीम साहब एक बजाज के फटफटिया से रेंज रोवर पर चले गए हैं, एक झोपड़ी से महल में चले गए हैं। उनकी बेटी जो है वो तलाकशुदा हो करके भी लगता ही नहीं कि तलाकशुदा है, लेकिन जो बेटियां बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुई हैं, उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, जो बच्चे पिता के होते हुए भी, अब्बू के होते हुए भी अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं प्रैक्टिकली अपनी बात बता देती हूँ। मेरा बेटा जिस घर का औलाद है वो घर करोड़ों अरबों में खेल रहा है, लेकिन मैं साइड हो गई अपने बच्चे को लेकर के, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि वो परिवार ना मेरे बेटे को पढ़ने देता ना मुझे आगे पढ़ने देता। तो दादा होते हुए, चाचा होते हुए, दादी होते हुए भी मेरा बेटा तो आज अनाथ की जिंदगी जिया ना, वो तो माँ उसके पास है, मेरे पापा उसके पापा बन गए, मेरी माँ उसकी माँ बन गई, मेरा मामू उसका मामू बन गया, अदर लेकिन अपना दादियाल हो। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो निपुण महिलाएं, एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकजी जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सूरे अनम में हम जाते हैं, उसके बाद फिर सूरे मरियम में हम जाते हैं, उसके बाद सूरे अल बकरा में हम जाते हैं, तो वहां पर अल कुरान की आयत बताती है कि मर्द और औरत में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो फिर औरत को तुम इतना नीचा क्यों साबित करने के पीछे तुले हुए हो। मुझे याद है कि 2016 के में जब हियरिंग चल रही थी ट्रिपल तलाक की, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा था कि अल कुरान में जायज है तलाक देना। मेरे सीनियर वीके बिजू जी के पीछे मैं खड़ी हुई थी और तब वो मुझे, क्योंकि हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे थे, और तब वो मेरे पीछे पलट करके मुझे कहे कि नाज़िया क्या जायज है अल कुरान में। तो मैंने गुस्से में पूरे सूरे वो पूरा सूरे अल बकरा का और सूरा निकाह जो है वो आमन तो बिल्ला है, मैंने पूरा पढ़ा और उसको ट्रांसलेट किया जज के सामने कि भैया और सूरे तलाक में ये साफ लिखा हुआ है कि जब एक तलाक होता है तो फरिश्ते मायूस होते हैं और शैतान नाचता है, गाता है और खुशियां मनाता है कि इस मुसलमान घर में तलाक हुआ है। तो तलाक तो कभी भी जायज है नहीं, और ट्रिपल तलाक तो कुरान का हिस्सा ही नहीं है। तब जा करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खामोश हुआ था। अब दूसरी बात आती है कि अगर तलाक अच्छा है तो असदुद्दीन अवैसी अपनी बड़ी बेटी का करवा दे। अगर तलाक अच्छा है तो असदुद्दीन अवैसी अपनी दोनों बीवियों को दे दे तलाक। अगर वाकई में मेंटेनेंस इतना बुरा है तो कल को असदुद्दीन अवैसी की बड़ी बेटी का अगर तलाक हो जाता है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो उनका तो चल जाएगा, क्योंकि वो मुसलमान कम्युनिटी को बेच बेच करके तो अपनी लग्जेरियस लाइफ चला रहे हैं। लेकिन जो गरीब अब्बू की बेटी है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अब जैसे देखिए, अभी हालिया में फरहाद हकीम साहब बड़े चर्चे में रहे, कलकत्ता के मेयर जिन्होंने कहा कि हिंदू बदनसीब है और मुसलमान खुश नसीब है, उनकी बड़ी बेटी का भी तलाक हो चुका है। अब उनकी बड़ी बेटी का तलाक जब हुआ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर करके फरहाद हकीम साहब एक बजाज के फटफटिया से रेंज रोवर पर चले गए हैं, एक झोपड़ी से महल में चले गए हैं। उनकी बेटी जो है वो तलाकशुदा हो करके भी लगता ही नहीं कि तलाकशुदा है, लेकिन जो बेटियां बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुई हैं, उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, जो बच्चे पिता के होते हुए भी, अब्बू के होते हुए भी अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं प्रैक्टिकली अपनी बात बता देती हूँ। मेरा बेटा जिस घर का औलाद है वो घर करोड़ों अरबों में खेल रहा है, लेकिन मैं साइड हो गई अपने बच्चे को लेकर के, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि वो परिवार ना मेरे बेटे को पढ़ने देता ना मुझे आगे पढ़ने देता। तो
दादा होते हुए, चाचा होते हुए, दादी होते हुए भी मेरा बेटा तो आज अनाथ की जिंदगी जिया ना, वो तो माँ उसके पास है, मेरे मेरे पापा उसके पापा बन गए, मेरी माँ उसकी माँ बन गई, मेरा मामू उसका मामू बन गया अदर, लेकिन अपना दादियाल होते हुए भी वो बिना दादियाल के जिंदगी गुजारा है, तो ऐसी फैमिली का क्या। पर नाजिया जी, कम से कम आज ये जो फैसला आया है ये उन मुस्लिम गरीब बच्चियों के लिए तो बहुत राहत का झोंका है ना, क्योंकि कोर्ट ने माना कि आईपीसी की जो 125 धारा है, या अभी बीएनए आप बता रहे बीएसएनएन जो है नया कानून जो है उसकी धारा 144 जो है, उसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को भी देश की नागरिक माना है और कहा है कि वो सब पर ही कानून लागू होता है, किसी भी धर्म के हो किसी भी जात के हो सब पे ही धर्म ये कानून लागू होता है। और 1985 में जब ये फैसला शाबानों के मामले में आया था और कांग्रेस ने उसको पलट दिया था मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के चलते, उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो आज तो कांग्रेस को भी एक जोरदार झटका लगना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए कि देखिए इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर वैसा ही फैसला सुना है। मैंने इसीलिए इंदिरा गांधी जी का नाम लिया था कि जो अस्तित्व, जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इंदिरा गांधी जी का है, वही मुसलमान की, मुसलमान कम्युनिटी की गरीब बेटियों का भी है। देखिए राजीव गांधी की लेगेसी आज खत्म हो गई, राजीव गांधी का झूठ आज सामने आ चुका, कांग्रेस और गांधी परिवार जो हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति और बाबर को फॉलो करते हुए जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति उन्होंने खेली थी और मुसलमानों को अपनी मुट्ठी में रख करके मुसलमानों को वोट बैंक की तरह आज तक यूज करने वाली कांग्रेस और गांधी परिवार, आज चिट्ठा खुल चुका है। एक बार 2017 में जब ट्रिपल तलाक का जजमेंट आया था तब खुला था, और एक बार आज, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज सबको समझ में आ चुका कि ये काम राजीव गांधी जी चाहते तो अपने एक सिग्नेचर पर कर सकते थे, राजीव गांधी जी चाहते तो शाबानो और सायरा बानो के साथ साथ इस देश की लाखों करोड़ों मुसलमान बेटियों को उनका, उनकी इज्जत पहले ही मिल जाती, इंतजार ना करना पड़ता 1984 से लेकर 2017 तक, या मेंटेनेंस के लिए 1984 से लेकर के 2024 तक, डेकेड पर डेकेड, डेकेड पर डेकेड। जो राहुल गांधी आज अपने अपने गांधी परिवार की लेगेसी को आगे लेकर के चल रहे हैं और हिंदू को वो नफरती नफरती कह रहे हैं और हिंसक कह रहे हैं, आज सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये बात बता दिया कि संविधान लहराने वाले कभी संविधान खोलकर पढ़ भी लिया करो, उन पन्नों में जरा देखा भी करो कि जो संविधान अंबेडकर जी ने लिखा था उसमें सेक्युलर कहां पर लिखा था और किन किन आर्टिकल में ये बात कही गई थी कि ये संविधान सबके लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए भी है। अब मुझे ऐसा लगता है अंजू जी कि बस चांद रात हो चुकी है, ईद आने वाली है, तो ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका है, मेंटेनेंस जो है वो अप्रूव हो गया सर्वोच्च न्यायपालिका से, बस अब कुछ दिनों में यूसीसी लागू हो जाए, बस हम तो पूरा एकदम जश्न मनाएंगे, ईद मनाएंगे, सवैया बांटेंगे उस दिन। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा पुनर्विचार याचिका लेकर, किस फैसले पर गौर फरमाया जाए, ये तो शरिया के हिसाब से नहीं है। देखिए उस पर तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि अब क्योंकि केंद्र की सरकार ने आपातकाल इमरजेंसी को एक मतलब एक दुर्घटना और एक गलत फैसला बता ही दिया है, तो केंद्र की सरकार को संविधान में जितने भी इमरजेंसी के वक्त में आर्टिकल्स के साथ छेड़छाड़ किए गए हैं उसको भी ठीक करने की जरूरत है, और जैसे ही वो ठीक होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ना ही होगी तुष्टिकरण की राजनीति, दैट्स इट भाई। हम तो 26 नवंबर 1949 के प्रिम्बल को ही मानेंगे ना, हम 1971 या 1975 के संविधान को क्यों मानेंगे, जो अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है हम तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, जो प्रिम्बल जो आया था 26 नवंबर 1949 हम तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे जो इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इमरजेंसी में आर्टिकल्स को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने मुसलमानों को तुष्टिकरण करने के लिए
और क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए जो छूट दी थी उसको तो हम नहीं मानेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने बात की सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पे, जिससे मुस्लिम महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और आने वाली उनकी जिंदगी बेहतर हो पाएगी, और आपने देखा नाज़िया खान जी ने ओवैसी जैसे मजहब के ठेकेदारों को भी जमकर लताड़ा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।